हेलो यार, कब कब क्या क्या नहीं स्पेकुलेट किए, ये तो कहीं और ही आ गए। देखो यार, रियल रीजन तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि द रॉक कैसे अचानक से कैसे आ गए WWE में। ठीक है, ठीक नहीं मतलब बहुत अच्छी बात है कि उनके रॉमन रेंस के साथ फाइनली प्लान्स है रेसलमेनिया 40 वगैरह के लिए, लेकिन वो अभी क्या करेंगे? रेसलमेनिया 40 तो ना अगले महीने, ना उससे अगले महीने, ना उससे अगले महीने, उसका डबल भी कर दोगे तब भी अभी रेसलमेनिया नहीं आएगी। तो अब बिल्कुल नेक्स्ट द रॉक के लिए क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और बताता कैसे नहीं यार, हमारे राज भाई की तरफ से जो कमेंट आया था। वैसे आपके मन में भी कोई टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। यार आपने सुना iPhone 15 लॉन्च हो गया है, और मजे की बात है कि मैं आपको दिलवा भी सकता हूँ iPhone 14, वो भी बस ₹1 में। अगर सुन के थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहा है तो दोबारा सुनो, iPhone 15 सिर्फ ₹1 में। बट कैसे जानने के लिए बस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। यार अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा, मतलब अभी तक तो सुन ही लिया होगा आपने कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच लॉक्ड था WrestleMania 39 के लिए। और ये बात कोई रूमर रिपोर्ट कुछ नहीं है, ये बात खुद द रॉक ने कंफर्म की है। जब पैट मैकेवी के शो पे आए थे तो उन्होंने काफी सारी चीजें बताई कि पिछले साल 2022 के स्टार्ट में रॉक और मिस्टर मैन की पूरी मीटिंग वगैरह हो गई थी, जहाँ पे निक खान ने आइडिया प्रपोज किया था और ऑलमोस्ट भी क्या है, इन्होंने लॉक ही कर लिया था ये मैच। बट एक ऑब्वियस क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा कि भाई अगर ये मैच लॉक्ड था तो हुआ क्यों नहीं फिर, हम तो भाई नजरे टिका के बैठे थे, अब आएंगे तब आएंगे, हमारा तो पोपट हो गया ना। फिर उसके लिए रॉक ने सिर्फ ये चीज बताई थी कि ये मैच सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि UFC और WWE का मर्जर आ गया बीच में, तो वो फिर हायर प्रायोरिटी बन गया, उन सारी चीजों में लग गए WWE वाले एंडेवर्स वगैरह के साथ कनेक्शन और भी काफी सारी चीजें जो कि बिहाइंड द सीन चलती है, मतलब अपर लेवल चीजें, हम जैसे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। तो उस वजह से रोमन रेंस और रॉक का मैच फिर पोस्टपोन हो गया। यानी कि ये बात तो पक्की है कि भाई मैं या फिर जितने भी क्रिएटर रेसलिंग कम्युनिटी में जो आपको बता रहे थे ना कि यार ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, वो कंफर्म है, उस टाइम पे सच में कंफर्म्ड ही था, कोई भी आपको पॉपट नहीं कर रहा था और हमारा भी कोई रिपोर्टर पॉपट नहीं कर रहा था। वो WWE का डिसीजन लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ है जब WWE और UFC के मर्जर के प्लान सामने आ गए। अगर वो प्लान नहीं बनते तो फिर रॉक वर्सेस रोमन का मैच हम ऑलरेडी देख चुके होते WrestleMania 39 में, पर चलो तब नहीं हो पाया लेकिन अब तो जरूर हो सकता है। तो हाँ यार हो सकता है, लेकिन फैंस यार काफी ज्यादा नाराज हैं। मतलब रॉक आ गए उसकी तो खुशी है सबको, बट एक चीज से फैंस फिर भी थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड है कि यार रॉक के ब्लड लाइन की स्टोरी को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में जो कुछ चल रहा है यार, जे उसो सेपरेट हो गए हैं, जिमी उसो सेपरेट हो गए हैं, जिमी उसो ब्लड लाइन में आने की वापस से कोशिश कर रहे हैं, मतलब काफी सारी टेंशन चल रही है सबके बीच। तो उस सारी चीजों को छोड़ के रॉक एक अजीब से सेगमेंट में आ गए यार, ऑस्टिन थ्योरी के साथ, पैट मैकेफी के साथ। मतलब पैट मैकेफी के साथ तो फिर भी समझ आता है क्योंकि उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू वगैरह किया था जो भी था, बट ऑस्टिन थ्योरी के साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत थी, इससे अच्छा वो ब्लड लाइन वाली किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जाते, फैंस को और ज्यादा इंटरेस्ट बनता। तो क्या ऐसा तो नहीं कि रॉक बस ऐसी वन ऑफ अपीयरेंस के लिए आए हैं, या फिर क्या ऐसा तो नहीं कि भाई ब्लड लाइन के साथ कोई स्टोरी चलने नहीं वाली रॉक की, इसलिए WWE ने उन्हें इन्वॉल्व भी नहीं किया इस सब में? तो ये तो अच्छी चीज है मेरे पास आपको बताने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड गोल रॉक के लिए यही है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाना है तो करवाना है उन्हें WrestleMania 40 के लिए, अभी वो चीज काफी ज्यादा दूर है, इसलिए WWE ने एकदम से रश नहीं किया सारी चीजों को। अभी ब्लड लाइन वगैरह आपस में मतलब काफी सारी चीजें चल रही है उनके बीच, तो वो सारे स्क्रैप नहीं किए प्लान रॉक के आने के चक्कर में, जो चल रहा था वैसे ही चलने दिए, रॉक को एक अलग सेगमेंट में बुक किया ताकि सारी चीजें एकदम से कोलाइड न कर जाएं, क्योंकि अभी रोमन रेंस भी यार है नहीं स्मैकडाउन के एपिसोड में, वो तो काफी टाइम तक नहीं आने वाले, तो फिर आई होप आप समझ गए होंगे अब तो। चलो यार अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीत सकते हो, वो भी बस ₹1 में। आई नो थोड़ा अनरियल लगता है, ऑफर इतना इनक्रेडिबल है यार, तो आपको खुद देख के बिलीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से My11 सर्कल को डाउनलोड करो और अभी अपनी टीम बनाओ एशिया कप के फाइनल मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका के लिए। तो अगर उसमें आप गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हो जिसकी एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है, तो आप एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीत सकते हो। बस ध्यान रखना कि ये सिर्फ इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाले मैच के लिए वैलिड है, यार सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। और वैसे भी एशिया कप का यार फाइनल मैच है, तो मौका मिस मत करना क्योंकि लास्ट चांस होगा आपके पास। बाकी यार अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हो तो आप टॉप प्राइज में SUV कार तक जीत सकते हो। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से My11 सर्कल को डाउनलोड करोगे और मेरा एक कूपन कोड यूज करोगे तो फिर तो आपको 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा आपको अपने My11 सर्कल अकाउंट में। तो किसका वेट है फिर, डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच ऑन My11 सर्कल नाउ। और हाँ, आप में से काफी लोगों के मन में यार ये भी क्वेश्चन था कि यार अब जब द रॉक वापस आ गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अब हमें रोमन वर्सेस रॉक का मैच ही देखने को मिलेगा WrestleMania 40 में, तो इतने टाइम से जो रूमर्स वगैरह सामने आ रहे थे कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच तो लॉक कर लिए WWE WrestleMania 40 के लिए, भाई यही मैच हमें देखने को मिलने वाला है एक बार फिर से, कोडी रोड्स इस बार फिनिश करेंगे अपनी स्टोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब का अब क्या होगा? तो इस सब का कुछ भी नहीं होगा। देखो यार सिंपल सी बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। मैं आपको फॉर एग्जांपल WrestleMania 39 का ही बताता हूँ। WWE का ओरिजिनल प्लान क्या था? रोमन वर्सेस रॉक कराने का था ना, लेकिन हुआ क्या, रोमन वर्सेस कोडी जो कि उनका सेकंड ऑप्शन भी नहीं था। तो WWE हमेशा एक प्लान तो मन में सोच के चलती कि हमें ओरिजिनली ये चीज करवानी है, लेकिन फिर साल के बीच काफी सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिस वजह से उन्हें धीरे धीरे प्लान में चेंजेस भी करने पड़ते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे भी काफी सारे चेंजेस होते हैं और जो प्लान उन्हें बेटर लगता है वो एग्जीक्यूट करते हैं। बाई चांस अगर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं
रियो बात है तो हमेशा WWE ने उसके लिए बैकअप प्लान रखे होते हैं, कम से कम एक तो बैकअप प्लान होता ही हमेशा। अब देखो WrestleMania 39 में अगर रॉक वर्सेस रोमन नहीं होता तो फिर रोमन वर्सेस स्टोन कोल्ड होता, वो भी नहीं हो पाया तो रोमन वर्सेस फिर कोडी हुआ। वैसे भी WrestleMania 40 के लिए कितनी सारी चीजें सामने आ रही, गुंथर वाली चीज कि भाई गुंथर रॉयल रंबल जीतेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, और वहीं आप देखो ना CM Punk के रिटर्न के रूमर सामने आ रहे हैं और हमें तो पता ही है सेथ रॉलिंस और CM Punk की कैसी मतलब है आपस में। तो जब CM Punk वापस आएंगे तो ज्यादा चांसेस किस चीज के, गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस ज्यादा बड़ा मैच है या फिर CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस ज्यादा बड़ा मैच है? तो मतलब काफी सारे ऐसे ओरिजिनल प्लान्स हैं जो कि स्क्रैप किए जा सकते हैं ताकि उनसे बेटर प्लान्स एग्जीक्यूट किया जा सके। ओरिजिनल प्लान अगर बड़ा है तो वही एग्जीक्यूट होगा, पर अगर लग रहा है WWE को कि उससे भी अच्छा कोई मैच हो सकता है फिर WWE वो करवाएगी। अगर किसी वजह से मान लो वो मैच नहीं भी हो पाता है तो फिर बैकअप में तो दूसरा है ही जो ओरिजिनल किया हुआ था प्लान। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है। और WrestleMania 40 के लिए 4 मैचेस तो ऐसे जो कि आप कंफर्म ही मान लो और इतने बड़े मैचेस है ना, नहीं अब भी नहीं बताऊंगा वो मैं आपको। WrestleMania 40 की अर्ली मैच प्रेडिक्शन वाली वीडियो लेके आऊंगा यार, उसमें आपको हर एक मैच बताऊंगा, नाइट 1 नाइट 2 मतलब सब कुछ, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मतलब अगर आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन बता देना मुझे, नहीं देखनी तो भी बता ही देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और हाँ, एक और क्वेश्चन आपके मन में होगा कि यार रॉक इतनी जल्दी वापस आ गए WrestleMania से पहले तो मतलब क्या वो मल्टीपल मैचेस रेसल करेंगे? तो ये चीज तो आपको क्लियर कर देता हूं कि मुझे तो ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया, मतलब कहीं से कुछ ऐसा पता नहीं लगा, बट फिर भी मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि भाई मुझे पर्सनली नहीं लगता कि रॉक मल्टीपल मैचेस रेसल करेंगे, वो सिर्फ एक मैच के लिए वापस आए हैं एंड दैट इज रॉक वर्सेस रोमन रेंस। अगर आपको लग रहा है कि क्राउन ज्यूल में या रॉयल रंबल में या किसी भी WrestleMania से पहले आने वाले बड़े इवेंट में वो रेसल करेंगे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अभी जॉन सीना भी है तो फिर ये सारे इवेंट्स तो वही निकलवा देंगे। और हाँ, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि यार रॉक अब जब आए हैं तो क्या वो रेगुलर अपीयरेंसेस करेंगे? ऑब्वियसली बात है नहीं यार, द रॉक रेगुलर अपीयरेंसेस तो नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि अब हर स्मैकडाउन पे आ जाएंगे। तो चलो हर स्मैकडाउन पे नहीं आएंगे तो कब आएंगे, नेक्स्ट कब देखने को मिल सकते हैं हमें वो? रॉयल रंबल के बाद तो मान लो कि भाई रेगुलर अपीयरेंसेस हमें देखने को मिल सकती है उनकी, बट उससे पहले का जो टाइम पीरियड है मतलब अभी से लेकर रॉयल रंबल तक का, वहां पे तो उनका मोमेंट क्राउन ज्यूल के अराउंड बनता है लेकिन चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, और उसके बाद तो सीधा रॉयल रंबल ही है। और मैं भी आपको बोलूंगा ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि रॉक आ गए अब तो आते रहेंगे, अगर रखनी भी है ये सारी एक्सपेक्टेशंस तो फिर रॉयल रंबल तक का वेट कर लो, उसके बाद रखना, ठीक है? अभी नहीं। और यार इस बार तो WrestleMania जैसे मैं बोल रहा हूं मतलब मजे आने वाले हैं, क्योंकि एक नहीं काफी सारे ऐसे मैचेस हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं बनते हुए और काफी बड़े मैचेस हैं। तो मैच कार्ड प्रेडिक्शन वाली वीडियो तो आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको चाहिए तो ले आऊंगा मैं। बाकी आई होप रॉक से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा फिलहाल आपको। बाकी और भी कुछ पता लगता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। एंड हां यार, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से My11 सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलना, जिससे कि आप एक ब्रांड न्यू iPhone 15 जी सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज करने पे 20% एक्स्ट्रा कैश तो मिल ही रहा है आपको, साथ ही टॉप प्राइस में SUV कार भी। तो जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पिन कर दिया है, ठीक है? बाकी यार आपने अगर सुबह वाली वीडियो नहीं देखी तो ये रही आपके सामने, क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।